ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी होने पर प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए। मैं डॉक्टर रईस अंसारी, सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, नून हॉस्पिटल भवानी मंडी। घायल व्यक्ति के गर्दन को बिना सहारा दिए हुए ना हिलाएं। पहला व्यक्ति अपने दोनों हाथों को सर के नीचे खुंखली पीठ को सपोर्ट करते हुए उठाए, बाकी लोग हाथ और पैर को उठाए, एक समतल स्थान पर ले जाए। दोनों पैरों को उठाए जिससे कि रक्त का बहाव सिर की तरफ जाए। चोट लगे स्थान को साफ कपड़े से दबाएं और बैंडेज करें। मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाएं। राजनीतिक द्वेषता के चलते लगे थे झूठे आरोप, भूमाफिया बता बदनाम करने की थी नाकाम कोशिश, जांच में निजी स्वामित्व साबित हुआ भूमि। भवानी मंडी की सोलिया ग्राम पंचायत के गंगपुरा में कब्जा कर अवैध निर्माण करने का तथाकथित मामला लंबे समय से चर्चाओं में था, जिसको लेकर कुछ लोगों द्वारा SDM कोर्ट में ज्ञापन दे जांच की मांग की गई थी, जिसमें शहर के कांग्रेस नेता व नपा अध्यक्ष के कांग्रेस प्रत्याशी विनय अस्तोलिया पर जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण के आरोप भी लगाए गए, जिसमें BDO की अध्यक्षता वाली जाँच कमेटी ने यह साबित कर दिया कि भूमि निजी स्वामित्व वाली भूमि है, जिसमें कई सालों पहले पत्ते जारी किए गए और आज तक उस पर अस्तोलिया परिवार का निजी स्वामित्व है। पार्षद विनय अस्तोलिया ने बताया कि राजनीतिक द्वेषता के तहत कुछ चुटकी भर लोगों ने मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचकर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जो आज जांच में साबित हो गए कि वह पूरी तरह से निराधार हैं। यह भूमि हमारे निजी स्वामित्व की है। अगर आगे से इस तरह के कार्य आरोप मेरे ऊपर लगाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ मानहानि की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भवानी मंडी से BPA न्यूज संवाददाता किशोर तवर की रिपोर्ट। पालिका अध्यक्ष के लिए भी आप प्रत्याशी रहे थे, लगातार आपके ऊपर जो है भूमाफिया और जमीन को हड़पने जैसे कई तथाकथित आरोप लगते जा रहे थे। आज आपने जो है जाँच प्रस्तुत की है कि उसमें जो है ये माना है कि वो प्लाट आपके ही नाम है, पट्टे हो चुके थे उनके 2001 में, पूरी जानकारी दीजिए। अभी पिछले दिनों गंगपुरा में स्थित मेरे 5-6 प्लॉट है परिवारजनों के, तो ग्रामीणों द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वहाँ पर कब्जा कर रखा है मैंने और मेरे परिवारजनों ने, तो इसकी जांच SDM साहब के पास शिकायत की लोगों ने, तो SDM साहब ने इसकी जांच पंचायत समिति के BDO साहब को दिए, तो BDO साहब की प्रभुलाल जी वर्मा जो अभी वहाँ पर BDO हैं उनकी अध्यक्षता में एक जाँच कमेटी गठित की गई है और उसके अंदर उनने सारी जांच की गई है। उसमें जांच में सारे मेरे से भी जो तथ्य मांगे गए मैंने सारे तथ्य दिए हैं, उन तथ्य और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जो BDO साहब ने इस कमेटी ने जांच की है उसमें उन्हें जांच करी और जांच में उन्हें जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है जो भी उस वक्त की पट्टे रजिस्ट्री तात्कालीन सरपंच द्वारा जो अदालत में बयान दिए गए हैं किसी केस को लेकर उस पट्टों के मामले में, वो सब जाँच के दौरान मेरे पक्ष में पाए गए हैं, जो उससे ये साबित होता है कि उसमें मेरा कोई कब्जा नहीं था और वो मेरे स्वामित्व की भूमि है। उन्होंने तो मुझे विश्वास था, मैं न्यायालय में विश्वास करने वाला आदमी हूँ, मुझे जांच पर पूरा विश्वास था, जांच मेरे पक्ष में पाई गई है। कुछ ग्रामीण के लोग, ग्रामीण लोगों को, साफ सुथरे लोगों, छोटे ग्रामीण गाँव के लोग भोले भाले होते हैं, कुछ लोगों द्वारा उनको भड़काया गया, भोले भाली जनता को वहाँ की, उन्होंने मेरे खिलाफ जाँच के लिए ज्ञापन दिए कि साहब ये भूमाफिया है, इनने कब्जा कर रखा है, ये सब कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर आ गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम के आप सब द्वारा ये बनना जानना चाहता हूँ कि अब ये जांच देखने के बाद ग्रामीण लोग अब इस किसी के बहकाव में नहीं आएंगे, कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे और इसमें मैं बिल्कुल निष्पक्ष पाया गया हूँ। और उस वक्त के तात्कालीन सरपंच जो राम सिंह जी गुजर थे, उनने जो पट्टे दिए वो सब पट्टे बिल्कुल वैलिड पाए गए हैं, इसकी जाँच तथ्यात्मक रिपोर्ट। एक सवाल है विनय जी कि छवि को ध्वित करने का जो काम आपने आरोप लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स या इसमें निश्चित आपका कहना है, मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, राजनीतिक रसूखात वाला आदमी हूँ, तो उसको लेकर कई लोगों ने कई प्रकार के मेरे ऊपर आरोप लगाने की, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, ये अनर्गल बयानबाजी करके और ये जो पट्टे के मामले में जो बताया ना कि भूमाफिया है, फर्जी पट्टे हैं, इसका आरोप लगाकर। लेकिन अब जाँच पूरी क्लियर हो गई है
और आप जांच अधिकारी से पूरी जांच के बारे में जानकारी कर सकते हो और मेरी जांच निष्पक्ष निकली है। मुझे आप सब लोगों से अपेक्षा है कि आप इस बात को सब लोगों को बताओगे कि मैं दूसरा पर आरोप लगाए गए हैं, वे आरोप लगाए थे, उसने कोई